आगे बढ़ते हैं। पंजाब में तब्दीली आ रही है, गवर्नर सिंध ने इंदिया दे दिया। वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर सिंध की लाहौर यात्रा, साबिक सीनियर वजीर अलीम खान से मुलाकात। तरीन ग्रुप के तहफुजात इमरान खान तक पहुंचाऊंगा, नाराज अरकान आइंदा 24 घंटे में हमारे साथ नजर आएंगे। इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अलीम खान पहले भी इमरान खान के साथ थे, अब भी हैं। उम्मीद है वजीर आजम इमरान खान तरीन अलीम ग्रुप के तहफुजात दूर करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप, उनकी पंजाब हुकूमत के साथ रिजर्वेशंस हैं, जिसका इजहार बरमला उन्होंने अभी मेरे साथ बैठ के तकरीबन हमारी घंटे डेढ़ घंटे की मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने किया। मैं वजीर आजम इमरान खान की गोशगुजार करूंगा वो सारी सिफारिशात, वो मुझे यकीन है कि वजीर आजम कबूल करेंगे क्योंकि उनकी रिजर्वेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। आखिरी फैसला वजीर आजम इमरान खान का है कि वो क्या फैसला करते हैं। अलीम खान मेरे एक दरीना दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जिनके साथ हर हफ्ता कोई ऐसा नहीं गुजरता कि वो मेरे साथ कराची में ना हो या मैं जिनके साथ लाहौर में ना हूँ। अलीम खान आज भी वही इमरान खान का सिपाही, वही इमरान खान का साथी है जो वो आज से 10 साल पहले था। अलीम खान और जहांगीर तरीन ने इस पार्टी को इक्तदार में लाने के लिए, इमरान खान के प्रोग्राम पे अमल करने के लिए की थी, वो आज भी उस पर अमल पैरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी मजबूती के साथ सेंटर में, पंजाब में, हर जगह खड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।